हे हेलो एवरीवन एवरीवान मैंने सीपा और आज के सेशन में हम सॉलिड रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज सॉलिड इफ्लेक्शन बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना सॉलिड सॉल्डन एक परमाफ्रॉस्ट रीजन में बनने वाली स्लो प्रोसेस है जो कि एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट को दिखाती है या या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक मास मूवमेंट है मास डाउन स्लोप मूवमेंट है जो कि फिज फ्रीज और थॉ प्रोसेस यानी कि फ्रीज थॉ एक्टिविटी के द्वारा हमें देखने को मिलती है क्या होता है इस प्रोसेस से ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी और अदर मटेरियल्स लाइक बर्फ यानि कि परमाफ्रॉस्ट रीजन है तो बर्फ तो होगी ही तो उसके साथ जितनी भी जो भी ऊपरी शीट वाली जो होती हैं जो परत होती है ऊपर मिट्टी वाली तो वो जो है बहुत ही स्लो रेट से नीचे की तरफ़ यानी कि माउंटेन की जो बिनित रीजन है माउंटेन जिसे हम बिल्कुल ही नीचे वाला हिस्सा कहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ती है और इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो जनरल रेट है वो आपको यहाँ पहले दिख रहा होगा वन मीटर ईयर टू द पावर माइनस वन बहुत ही कम रेट से ये नीचे की तरफ आती है यानी कि माउंटेनियस रीजन के बिल्कुल ही टॉप से बॉटम की तरफ आती है एरिया मोस्टली जो कवर करती है वो प्लेन सर्फेस है डू वी हैव दी डायग्राम येस वी हैव दी डायग्राम एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल रिफ्लेक्शन शीट्स कैसे कहते हैं लोब्स कैसे कहते हैं तो यहाँ पे लेवलिंग uh, किया हुआ है एंड इट्स अ वेरी स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट Uh, of the saturated soil and regulates. So, this was all about the topic solid flexion. We are done with the session today. Melt we'll the next session. But till then, thank you so much and bye bye.